नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 50,000 नए मामले आए सामने, 804 मरीजों की हुई मौत। अंबाजरी थाने में फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज, बाउंस होने पर खुली पोल, 3 करोड़ का दिया था चेक। बेटे को डांटने पर हुई दो भाइयों में मारपीट, इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। हाईकोर्ट ने एनबीसीसी और अन्य से मांगा जवाब, एनबीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ हो कार्रवाई। बोर्ड परीक्षा बहिष्कार आंदोलन होगा तेज, 40 स्कूलों ने दिया समर्थन। एचसी ने मंदपाव जिला प्रशासन से मांगा जवाब, टॉकेज लॉन्च छूट में भेदभाव। उच्च न्यायालय ने जारी किया आदेश, सीताबर्डी के दुकानदार की याचिका खारिज। मालवाहकों के चालन को लेकर फूटा गुस्सा, करमना मार्केट गेट के सामने चला 1.5 घंटे तक प्रदर्शन। दो दिन बाद परीक्षा, अब तक रोल नंबर नहीं, कॉलेज गूगल फॉर्म पर लेगा एग्जाम। बजट सत्र पर 15 को निर्णय, महीने के अंत तक संपूर्ण राज्य होगा अनलॉक, वडेट्टीवार ने कहा। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।